नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर में मोनू कुमार पत्रकार के उत्पीड़न को लेकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की देवबंद तहसील इकाई ने उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा, जिसमें मोनू पत्रकार के साथ हुई मारपीट और मुकदमा दर्ज कराने से नाराज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की देवबंद इकाई के तहसील अध्यक्ष बलवीर सैनी के नेतृत्व में ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा गया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष बलवीर सैनी ने कहा कि सहारनपुर का जो प्राधिकरण है वह भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। उसके द्वारा हमारे वरिष्ठ पत्रकार मोनू कुमार पर मुकदमा दर्ज कराया गया। उन्होंने बताया कि पत्रकार मोनू कुमार ने वहां पर हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया था, जिसके चलते 26 जुलाई को मोनू कुमार पर मुकदमा दर्ज कराया गया था, जो पूरी तरीके से झूठा बेबुनियाद है। उन्होंने बताया कि आज इसी विषय में देवबंद तहसील इकाई के ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सभी साथियों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान तहसील अध्यक्ष बलवीर सैनी, आसिफ सागर महामंत्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष असद सिद्दीकी, अफजाल सिद्दीकी, कयूम अली, इमरान शेख, मेहताब आजाद, सुधीर भारद्वाज, इकराम अंसारी, साजिद खान, राजकुमार जाटव आदि मौजूद रहे। देखिए, सहारनपुर विकास प्राधिकरण जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, उसकी अगर कोई भी पत्रकार खबर चलाता है तो प्राधिकरण के लोग उनके खिलाफ मुकदमा करा देते हैं। इसी प्रकरण में एक हमारे पत्रकार साथी हैं मोनू कुमार सहारनपुर के, उन्होंने एक खबर चलाई थी प्राधिकरण के खिलाफ, तो उन्होंने 26 जुलाई को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जो मुकदमा बिल्कुल झूठा बेबुनियाद है। इसी को लेके ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन आज SDM साहब से मिले और उनके खिलाफ मुकदमा जो कराया गया उसे निरस्त कराने की मांग करते हुए माननीय मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपा है। जो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगर उनके खिलाफ ये झूठी FIR रद्द नहीं हुई तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जिले में नहीं पूरे प्रदेश पर बहुत बड़ा आंदोलन करेगा और पत्रकार को न्याय दिलाकर रहेगा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।